वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा बर्थडे है उसका पूरा अरेंजमेंट अन्या ने किया है और काफ़ी अच्छा सा इसने डेकोरेशन किया और अपने पापा से कप केक मंगाया, मुझे कुछ नहीं पता है। और गिफ्ट अपना दिखाओ और ये बुआ ने दी चूड़ियाँ जो कि पूरा सेट था, लेकिन एक हैंड का इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि इसमें मैंने स्मार्ट वॉच पहन रखी है। ये भी मुझे गिफ्ट मिली है, ये मेरे पापा ने और अन्या ने भी मुझे वॉच ही गिफ्ट करी है। इसको भी अभी पहन लूंगी थोड़ी देर में, एक एक करके। ये अन्या ने गिफ्ट करी है मुझे, थैंक यू सो मच, वेलकम। इसमें ना हार्ट बने, एक मम्मी का एक मेरा। और जो इन्होंने ड्रेस बताई वही मैंने ड्रेस पहनी, इयररिंग्स जो बताए वो इयररिंग्स पहने, फ्लावर निकाल दिया एक बाल में फ्लावर लगाया था वो निकाल दिया, अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो चलिए बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर लेती हूँ। मुझे तो इतना कुछ नहीं करना था क्योंकि नहीं करते अब, लेकिन इसने आज बहुत तैयारी करी, सुबह से लगी हुई थी और पूरा सब डेकोरेशन में डांट भी थोड़ा सा खाई क्योंकि वो सब झालर वगैरह लगा रही थी ना, तो मैंने मना कर दिया कि इतना फालतू में मेहनत करके क्या फायदा। तो चलिए आप भी बने रहिएगा बर्थडे सेलिब्रेशन में मेरे। चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं हम लोग। ये है केक, तो बहुत सुंदर सा केक भी इसने ऑर्डर करवाया पापा से अपने। ये केक की पसंद मेरे पापा की थी और ये बहुत अच्छा केक है और ये चीज मैं मम्मी का नाम मैं खा जाऊंगी तो बस पापा का वेट हो रहा है। और ये देखो बाबा को ये है। और मैंने पता है थोड़ी देर मम्मी को नहीं बताया था कल, फिर मैंने अपने आप ही बता दिया। स्टाइल चेंज कर ली क्योंकि वो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लग रही थी आइए तो बाहर है। अरे आइए अंदर क्या करो, आइए आइए तो बुआ भी आ गई। बुआ आ नहीं रही थी वीडियो में कि कह रही थी मुझे मतलब मेरा तुम्हारा वीडियो खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लोगों से वीडियो थोड़ी ना खराब होता है, अच्छा लगता है सब लोग एक साथ मिलके फैमिली सब मिलके सेलिब्रेट करें। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में आप। और अब मैं केक कट करने जा रही हूँ अन्या के साथ। क्या कर रही हो, बर्थडे सॉन्ग? अच्छा बर्थडे सॉन्ग बजाओगी तो फिर। और केक कट होने वाली क्लिप ना मैंने इनको वीडियो बनाने के लिए दिया, लेकिन शायद इन्होंने पिक खींच ली थी तो वो क्लिप नहीं हो बन पाई। तो इसके उसके बाद ना मैंने फिर अपने वीडियो में आवाज़ भी म्यूट कर दी, वॉइस ओवर में कर रही हूँ क्योंकि अन्या ने सॉन्ग बजा दिया था। तो केक कट हो चुका है और मैं सबसे पहले मैं अन्या को ही खिला रही हूँ क्योंकि सारा क्रेडिट केक का उसे ही जाता है, केक का या पूरा मेरे बर्थडे की तैयारी का क्रेडिट उसे ही जाता है। तो ये मुँह पे लगाने के लिए बोल रही थी तो मैंने मना कर दिया कि अभी होटल भी जाना है, फिर मुझे साफ़ करना पड़ेगा और टाइम लगेगा क्योंकि लेट हो रहा था। तो फिर उसके बाद बुआ को मैंने खिलाया, फिर इनको खिलाया और फिर इन्होंने भी मुझे केक खिलाया। तो कुछ इस तरीके से बस हम लोगों ने मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया घर पे ही और उसके बाद होटल चले गए खाना खाने। तो देखिएगा भी आगे भी आप। और उसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो वोटो थोड़ी सी क्लिक करवाए, बुआ ने भी मुझे केक खिलाया और थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई। तो अच्छा लगता है बच्चे इस तरीके से ना अरे तैयारी करते हैं क्योंकि अब बच्चों को ही शौक़ लगता है, हम लोगों को तो लगता है कि अब बर्थडे वर्थडे क्या मनाना है, लेकिन बच्चों को शौक़ लगता है तो इसी ने पूरी तैयारी करी। इसको केक बहुत पसंद है, देखिए मैं पिक खिंचवाने के लिए ना इसका हाथ जबरदस्ती नीचे का, इसको केक बहुत पसंद है तभी मेरे हस्बैंड बना। मैं केक वेक नहीं कट करती हूँ लेकिन ये इसी ले आई थी क्योंकि इसको बहुत पसंद है कि इसी बहाने ये केक भी खाएगी। तो इसने केक खूब इंजॉय किया और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे अब होटल के लिए। थोड़ी सी रील्स मैंने बनाई, थोड़ी सी पिक वगैरह खिंचवाई थी और अपना गिफ्ट मुझे दे रही है। तो ये देखिए ये हस्बैंड का गिफ्ट, मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ। ये बुआ का, बुआ की चूड़ियाँ तो मैंने उनको थैंक यू बोला। केक वेक कट हो गया और अब मैं भी जा रही केक खाने, सबको मैंने दे दिया और एक दो रील्स बनाई क्योंकि अन्या ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो मुझे रील्स भी नहीं बनाने दी। अब हम लोग जा रहे हैं केक एंजॉय करने, आप लोग भी खाइए मेरी तरफ से मेरे बर्थडे का केक और पूरा क्रेडिट जाता है ये अन्या को। और ये देखिए बलून वगैरह लगे रह गए, केक काटते से मैं नहीं फोड़ पाई, तुमने कहा वैसे ही सजे रहने दो। तो बस इसका मन था कि कुछ ऐसा छोटा सा सेलिब्रेट मम्मी करें घर पे, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे,
पहले हम लोग घर पे केक खा लेते हैं। और बैंगल्स भी ना मुझे ये दोनों हाथ का पूरा सेट है बुआ लेके आएंगी। ये देखिए बहुत सुंदर सा सेट है, पूरी नक की चूड़ियां हैं, बड़े रेड कलर के और गोल्ड, एक में ये गोल्डन रेड नग, बहुत सुंदर लग रही थी। तो दोनों हाथ का था, मैंने दोनों हाथ का पहना था क्योंकि अभी तक पहनना नहीं था ना, वो शुक्र अस्त था, तो आज ही मैंने इसको पहना। तो मैंने सोचा चलो आज बर्थडे है, आज पहन लेते। बुआ ने कहा आज ही पहन लो। इस हाथ में सिर्फ एक डाल दिए चूड़ी, क्योंकि इसमें घड़ी बांधी थी इस वजह से। और घड़ी भी मैंने, मतलब हस्बैंड से अपने ना, मैंने कुछ ऐसा घड़ी के लिए पापा से नहीं बोला था ना, पापा ने अपने आप से ही, इनके पापा ने अपने आप से ही सोचा कि मेरी घड़ी देखकर, हाँ इनकी घड़ी देख के उनका मन किया कि मैं भी घड़ी तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। तो बहुत अच्छा सा बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हो गया है। चाट वाला मुकेश के बतासे नहीं अच्छे होते ना, मैंने तुम्हें खिला देते बतासे, कड़वे होते हैं, कड़वे भी पानी मटर इसकी बहुत कड़वी थी, बाहर आता है लेकिन उसके अच्छे नहीं होते। और ये मैंने इयररिंग भी मैंने फर्स्ट टाइम पहना, ये भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और सूट भी आने नहीं सेलेक्ट किया कि मम्मा ये वाला सूट पहनो, और इस पे क्योंकि इसमें कोटी है ना तो इस पे दुपट्टा मत ओढ़ना ऊपर से तो फिर आज मतलब सब इन्हीं के मन का हुआ है, जो जो इसने बोला वही सब मैंने किया है। तो केक खा के फिर मिलते हैं होटल में ना। तो ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में जो कि भूतनाथ पे है, पंचवटी, जो हम लोगों का ऑल टाइम फेवरेट है। एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी कुछ भी होता है ना तो हम लोग यहीं पे आते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डोसा बहुत पसंद है तो अधिकतर हम लोग डोसा खाने यहीं पे आते हैं, और यहाँ का बहुत टेस्टी होता है डोसा। तो जो लोग भूतनाथ या लखनऊ के आसपास में होंगे, इधर आसपास में, उन लोगों को भी पता होगा। तो ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, मैं इन्होंने एक सूट भी मुझे दिलाया तो उसको मैं फिटिंग के लिए टेलर के पास चली गई थी देने के लिए, उतनी देर में इन्होंने ऑर्डर कर दिया था डोसा। और अन्य का तो ऑल टाइम फेवरेट पाव भाजी, बस इसको और कुछ नहीं, पाव भाजी खानी रहती है और पूरी खा भी नहीं पाती, बचा देती है। तो ये अपना पाव भाजी मंगाई और हम लोगों ने डोसा खाया। तो ये देखिए अब हम लोग खा भी रहे हैं, तो मैंने इससे बोला ना कि थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा तो टेस्ट करो, ताकि हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए ना, ये नहीं कि बस सिर्फ पाव भाजी खाना है। तो वही थोड़ा सा मेरे कहने पे जबरदस्ती थोड़ी सी इसकी पापड़ी और आलू खा रही थी। तो उसके बाद फिर अपनी पाव भाजी खाई, तो मैं खा चुकी हूँ, ये भी खा रही थी। तो कैसा लगा ये वीडियो, छोटी सी क्लिप थी, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।